वेलकम टू कैंपस केयर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम अपने प्रिंटिंग हेड को जो है वो क्लीन कर सकते हैं। प्रिंटिंग हेड को क्लीन करने के लिए हम लोग थर्मल क्लीनिंग पैन का यूज कर सकते हैं, या फिर आप हेड क्लीनिंग स्वाइप का यूज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप अपने हेड को क्लीन करना चाहते हैं, इंस्ट्रक्शन नंबर वन, आपको पावर ऑफ करके मेन इलेक्ट्रिसिटी को या पावर केबल जो आपने प्लग किया हुआ है उसको रिमूव कर ही हेड क्लीनिंग प्रोसेस को जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। हेड क्लीनिंग आप अल्टरनेटिवली आफ्टर 15 डेज और आफ्टर 1 मंथ, 1 वीक, 10 डेज आप कर सकते हैं। और जब भी आपने हेड क्लीनिंग प्रोसेस करनी है, मेक श्योर कि आपका पावर कनेक्शन जो है वो ऑफ रहेगा। तो सबसे पहले मैं अपने प्रिंटर के पावर को रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद हेड क्लीनिंग पेन से क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं, तो हेड क्लीनिंग पेन को यूज करने से पहले, जैसा कि आप देख सकते हैं इट हैज अ टिप, इसे किसी भी क्लीन पेपर पर आपको पहले प्रेस करना है। आप इसको प्रेस करेंगे, यू कुड सी ये वेट है। अगर आपका हेड क्लीनिंग पेन पेपर पे वेट आ रहा है तभी आप इसको यूज करेंगे, ड्राई पेन को आपको इसको प्रिंटर हेड पे कभी यूज नहीं करना है। और यूज करने से पहले आप इसकी जो टिप है, जैसा कि आप देख सकते हैं, आप क्लीन पेपर पर इस तरह से दोनों एंड्स को क्लीन कर लीजिए। उसके बाद आप अपने प्रिंटिंग हेड के ऊपर इसको वन साइडेड स्वाइप करेंगे। इस तरह से आप अपने हेड पे इसको प्लेस करिए और बाय डायरेक्शनल आप देख सकते हैं थोड़ा डस्ट है यहां पर, और आप इसको इस तरह से पेपर पर क्लीन कर दीजिए। मैक्सिमम 2 टाइम्स बाय डायरेक्शनल। अगर आप इसको राइट से लेफ्ट की ओर लेके जा रहे हैं या लेफ्ट से राइट की ओर लेके जा रहे हैं तो आपको एक ही डायरेक्शन में जाना है, वापस उसको नहीं लेके आना है, लाइक राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट। वापस आपको पेन को स्वाइप करने के बाद वापस नहीं लेके आना है। एक साइड से आप क्लीनिंग करके पेपर पे क्लीनिंग पेन को आप साफ करेंगे। उसके बाद दोबारा से अगर आप करना चाहते हैं तो मैक्सिमम 2 टाइम्स इस तरह से आप अपना हेड क्लीनिंग पेन से हेड को साफ कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव हेड क्लीनिंग स्वाइप। बेसिकली दिस इज लाइक अ बर्ड, दिस इज लाइक अ कॉटन बर्ड। सो इसमें जो स्ट्रॉ है इट हैज अ लिक्विड, इसको दिस इज बेसिकली अ वन टाइम यूज, बट द हेड क्लीनिंग पेन आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। मेक श्योर आप उसका कैप अच्छे से क्लोज करके रखें। इसको यूज करने के लिए आपको अपनी स्ट्रॉ को इस तरह से बेंड करना है। जैसे ही आप अपनी स्ट्रॉ को बेंड करेंगे इसका लिक्विड मूव होके फॉर्म एरिया पे आ जाएगा और आपका फॉर्म एरिया जो है वो वेट हो जाएगा। जब आपका फॉर्म एरिया वेट हो जाता है तो सेम एज बाय डायरेक्शनल आप अपने हेड के पोर्शन पर इसको स्वाइप करके क्लीन कर सकते हैं।